यूपी के मुरादाबाद में सिस्टम की लापरवाही की वजह से जिंदा आदमी को मृत घोषित कर मोर्चरी में रखा गया। जी हाँ, हम बात कर रही हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, जहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति को जब स्थानीय पुलिस कांट रोड के निजी विवेकानंद अस्पताल लेकर पहुंची, तो वहां अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस घायल शख्स को नियम अनुसार जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भी उस शख्स को मृत घोषित कर उसे मुर्दा मानते हुए अस्पताल के पास बने मोर्चरी में रखवा दिया। पूरी रात सड़क हादसे का शिकार युवक जिंदा होने के बावजूद सिस्टम के कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से मुरादाबाद की मोर्चरी में ठंड में लेटा रहा। घायल युवक की तलाशी में पुलिस को मिले ड्राइविंग लाइसेंस से ये जानकारी मिली थी कि शख्स का नाम श्रीकेश है और वह हजरत नगर गड़ी थाना इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने जब उसके घर पर संपर्क किया तो पता चला कि श्रीकेश अब मुरादाबाद के लाइन पार इलाके में रहता है। हादसे में श्रीकेश की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया। परिजन रोते हुए मोर्चरी पहुंच गए और रात भर वहां आग जलाकर ठंड में बैठे रहे। सुबह जब स्थानीय पुलिस शव का पंचनामा करने परिजनों को लेकर मोर्चरी पहुंची और जैसे ही मोर्चरी का दरवाजा खोलकर श्रीकेश के पास पहुंचे, तो देखा कि जिस श्रीकेश के दो दो अस्पतालों के डॉक्टरों ने मुर्दा घोषित कर मोर्चरी में रखा था, उसकी सांसें चल रही हैं। इसके बाद वहां हड़कंप ही मच गया। परिजन तुरंत मुर्दाघर से ऋषिकेश को उठाकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां श्रीकेश का डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। सड़क हादसे का शिकार श्रीकेश के जिंदा होने के बाद परिजन ऊपर वाले का तो शुक्र अदा ही कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वहां निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल और उन डॉक्टर्स को भी कोस रहे हैं जिन्होंने उनके परिवार के जिंदा शख्स को मुर्दा घोषित कर मोर्चरी में रखवा दिया था। वह तो गनीमत ये रही कि पूरी रात घायल अवस्था में पड़े रहने के बाद भी श्रीकेश की सांसें चल रही थी और अब डॉक्टर भी उम्मीद जता रहे हैं कि श्रीकेश बच जाएगा। लेकिन परिजन निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल के साथ निजी अस्पताल के डॉक्टर्स पर कार्यवाही की भी मांग, जिन्होंने सड़क हादसे में घायल उनके परिवार के सदस्य को मृत घोषित कर घायल अवस्था में मोर्चरी में रखवा दिया, जहां इलाज न मिलने की वजह से श्रीकेश की मौत भी हो सकती थी। तो किसी को शायद कभी ये पता नहीं चलता, श्रीकेश की मौत दरअसल एक्सीडेंट में नहीं बल्कि एक्सीडेंट के बाद इलाज न मिलने की वजह से पूरी रात मोर्चरी में लेटे रहने की वजह से हुई। फिलहाल इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि इस तरह के मरीजों की सांस कभी कभी रुक जाती है और ये पता नहीं लग पाता कि व्यक्ति जिंदा है या मर गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि इस पूरे मामले में 3 डॉक्टर्स की टीम बना दी गई है जो ये पता लगाएगी कि इस मामले में लापरवाही हुई है या नहीं। जैसे ये मरीज हमारे यहाँ आने के पहले ये मरीज TMU गया था और TMU में जो भी मेडिकेशन दिया गया होगा, उसके बाद TMU से ये मरीज ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में आया है। ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में इसको इंट्यूबेट किया गया है क्योंकि इसकी सांस वगैरह नहीं थी, ना सांस था ना रेस्पिरेशन था, जैसा कि इनके परिजन बता रहे हैं कि इनको सांस नहीं आ रही थी, तो ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में इनको इंट्यूबेट किया गया है, यानी सांस में नली डाली गई। तो सांस में नली डालने के पहले, क्योंकि मरीज़ की मसल का रिलैक्स होना ज़रूरी है, तो ज़रूर वहाँ पर कोई ऐसी मेडिसिन प्री इंट्यूबेशन मेडिकेशन जो कि बॉडी को रिलैक्स करती हैं, मसल को रिलैक्स करती, वो दी गई होगी। दूसरा, ठंडे का मौसम काफ़ी ज़्यादा है, और तीसरा हेड इंजरी थी, तो इन कंडीशन में जैसा पता कि सस्पेंडेड एनिमेशन एक कंडीशन होती है जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है डिक्लेरेशन में। हाँ नहीं, डॉक्टर जो इमरजेंसी ड्यूटी पे हैं, डॉक्टर मनोज यादव की ड्यूटी थी, डॉक्टर मनोज यादव से अभी हमने खुद बात की है SIC ने, तो डॉक्टर मनोज यादव ने ये बताया कि मैंने मरीज को आते ही सबसे पहले मरीज को देखा, और देखने के बाद जब उन्होंने देखा तो उसमें कोई हार्ट रेस्पिरेशन मतलब जीवित होने के कोई साइन नहीं थे। 5 मिनट बाद दोबारा फिर चेक किया मरीज को, तो भी वही कंडीशन थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मृत है और इसको जो है फिर उन्होंने मार्चुरी में रखवाया और पुलिस को सूचना दी। ये तो विवेकानंद वाले हॉस्पिटल बता रहा है, आप स्टार ब्राइट बता रहे हैं? नहीं, जैसा उनके परिजन द्वारा बताया गया, उनके परिजन द्वारा बताया गया कि बताया कि नहीं, ब्राइट स्टार उनके परिजनों द्वारा बताया गया। ब्राइट स्टार मरीज को हम वहां से तुरंत ला करके एडमिट किया, उनका रेस्पिरेशन भी है इस समय और पल्स BP टेम्परेचर पहले से थोड़ा ठीक है। जब लाए थे तब पल्स भी डाउन थी, रेस्पिरेशन भी ठीक था, मर्चुरी से लेके आए, अब थोड़ा सा BP मेंटेन हो रहा है, रेस्पिरेशन थोड़ा सा, ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 के आसपास आ रहा है, BP 110-60 आ रहा है, और अभी भी गंभीर हैं क्योंकि हेड इंजरी है, इसलिए अनकॉन्सियस हैं, मरीज कोमा में है। सारे चिकित्सक, दोनों सर्जन ने देख लिया, दोनों फिजिशियन
SIC सुपरिटेंडेंट सब लोग उसमें देख चुके हैं, सभी लोग उसके इलाज में लगे हुए हैं। इसके लिए तुरंत बोर्ड बनाया गया है और तुरंत उसकी अभी जांच कराई जाएगी। 3 डॉक्टरों का पैनल बना दिया गया है, तुरंत इसकी जांच कराई जाएगी कि इसमें लापरवाही तो नहीं है कहीं। देशों निलाल, अच्छा विस्तार से ये है कि सर ये यहाँ रहते हैं मंडी समिति के पास में, इनका अपना क्वार्टर है भाड़े पर, ये नगर निगम में नौकर हैं लैम्प लाइटर पद पर, तो इनकी वाइफ वहाँ रहती हैं। इनकी वाइफ बकौल बता रही हैं कि 9:30 बजे इन्होंने दूध लेने भेजे। अब दूध लेने जैसे डिवाइडर पार करा, कैसा करा, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल का वाइजर सब टूटा पड़ा और उसकी फुटरेज तक टूटी पड़ी है। रात हमने जब यहाँ से जा रहे हैं बाद में हमने देखा, तो उसके बाद में मतलब ये हम फिर वहाँ लेके गए या डेंटल, ये लेके गए इनके घर वाले डेंटल, तब तक वहाँ नहीं आए थे डेंटल से। बाद में फिर वो ब्राइट हॉस्पिटल नया खुला, वहाँ जब आप पहुँचे तो वहाँ देखा कि मतलब भाई हालत गंभीर है, तो बोले भाई हमारे बस की नहीं है, इन्हें तुम साईं ले जाओ। हम साईं लेके पहुँच गए, साईं वालों ने स्टाफ ने देखा, बोले साईं बोले हम पर वेंटिलेटर नहीं है, इन्हें तुम कोसमोस ले जाओ। हम कोसमोस ना लेकर विवेकानंद ले गए, विवेकानंद में उन्होंने देखा वाली करी, बोले ना पल्स है ना BP है ना कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये नहीं पता हमें कौन थे। उसके बाद में साहब उन्होंने आध घंटा प्रतीक्षा करने के बाद में हम तो बोले बिल्कुल कतई ख़त्म मामला, और वो गुब्बारे जो लगा रहे थे ना वो कैसे मतलब ऑक्सीजन के कैसे कर रहे थे वो उन्होंने हटा लिया और सब कुछ मामला। हम तो बोले ले जाओ, मैं एम्बुलेंस हम खड़ी है, एम्बुलेंस हम ले कर, और हमने हाँ वो बोले अपने घर ले जाओ, मगर सर हम घर नहीं ले जाएंगे, ये सरकारी आदमी हैं, हम बगैर पोस्टमार्टम के नहीं ले जाएंगे। तो बोले पोस्टमार्टम अगर कराना तो सिविल लाइन ले जाओ। अब सिविल लाइन जब हम आए तो सिविल लाइन में इन्होंने मतलब जो इन्हें दिखाया, ये बोले हाँ भाई ख़त्म है मामला, ये बोले हाँ देखा वाला जैसे भी, ये बोले भी ख़त्म है मामला। दो तीन डॉक्टर थे पता नहीं कौन थे न जानते। उसके बाद में ये बोले कागजी काम पूरा करो, मैं कहा साहब कागजी काम पूरा कर लो। उस टाइम लगभग जब जिस टाइम हम निकले हैं ना वहाँ से विवेकानंद से, तो 2:40 हो रहे थे जिस टाइम उन्होंने मृत घोषित करा, 2:40 टाइम था। तो वहाँ से आने में यहाँ तक 3 या 3:05 हो गए होंगे, तो 4 बजे जो थी हैं प्रक्रिया, हमने कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में फिर एक सफाई कर्मचारी हैं वो वहाँ पहुँच, वो बोले इन्हें उसमें रखवाओ, हाँ ये बोले मोर्चरी में रखवाओ, हाँ मतलब मोर्चरी में रखो। हम अपने आप ही, कोई भी स्टाफ का आदमी नहीं था, हम अपने आप खचड़ के थैली मोर्चरी में रखवा के और वहाँ से आ कर थैली यहाँ खड़ी करके, हमारे साथ हमारा कोई काम बकाया हो तो बताओ। तो फिर उसके बाद में हम घर चले गए, मतलब रात में, क्योंकि ये बोले भाई सुबह 9 बजे अब जो आए हम, तो अवधेश जी के उसमें था ये मतलब पंचनामा भरना जो मंडी समिति में ऐसा ही है, तो वो आ गए तो अब लोग बंद था, वो बोले मैं चाबी लेकर आऊँ, वो चाबी लेकर आए, सबसे पहले ये गई मैडम, अब मैडम के साथ मैं था और SI साहब थे। अब इन्होंने जो देखा बोले ये तो ऐसा हो रही है, धड़कन हो रही है, अब मैंने नब्ज पकड़ के देखी, नब्ज भी ठीक चल रही है, फिर तो खलबली मच गई, वो रियल टाइप के सामने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब ये दोनों डॉक्टरों की लापरवाही, ये विवेकानंद की भी है यहाँ की, वो पहले देखेंगे मरीज, पहले फर्स्ट में देखेंगे मरीज, उसके बाद की बात है जो कुछ भी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि हाँ बिल्कुल, वो तो कागज भर के सारी प्रक्रिया।